થવાની તૈયારીમાં જ છે. તો જ્યાં કોઈ જે કોઈ ભાઈઓ આગળ અથવા પાછળ ચોકમાં ઉભા હોય તે મહેરબાની કરી જલસા ગાડી અંદર હાજરી આપે. एक अरब ने आदमी का यानी कि
जहाज में डूबे हुए थे, उसकी इसना आका ने फरमाई, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, हाथ के जर्रों को हमदों से हमदों से सुरैया कर दिया। हाथ का जर्रा यानी कि धूल का जर्रा, हमदों से सुरैया किसे कहते हैं? सुरैया एक सितारे का नाम है, सुभान अल्लाह। और वो सितारा बुलंदी के लिए उसकी मिसाल दी जाती है, अगर किसी चीज को बताना हो कि इसका मर्तबा तो बहुत बुलंद है तो कहा जाता है कि इसका मर्तबा सुरैया सितारे के बराबर है। खाक का जर्रा यानी जमीन के ऊपर जो खाक है, जो धूल है, उस जर्रे के बराबर जिसकी हैसियत थी, आका अलैहिस्सलाम ने उसको हमदों से सुरैया बुलंद मकाम अता कर दिया। सुबह तैयबा में हुई बटता है बारा नूर का, सुबह तैयबा में हुई बटता है बारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा। सुभान अल्लाह। मैं कदा तू बादशाह या रसूल अल्लाह, मैं कदा तू बादशाह भरते पियाला नूर का, नूर दिन दो ना तेरा दे डाल सदका नूर का। और आगे वापस पलटना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कि अशार चीज ऐसी है, आका की जान, आका की शान में जो शेर लिखा गया या पढ़ा गया तो उसकी शान ही निराली। जो भी शेर और वही पर जमा हो, बड़े खुशनसीब हैं हम लोग कि आज हम यहाँ पर आका अलैहिस्सलाम का जिक्र करने के लिए एक मर्तबा वापस जमा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, सलाम करने के लिए मैं इंतजार कर रहा था लोगों के आने का, इसलिए कि कभी कभी ऐसा होता है कुछ लोग सोच रहे होते हैं बापू ने गुफ्तगू शुरू कर दी और सलाम भी नहीं दिया, इब्तदा में सलाम करता, लेकिन मैं इंतजार कर रहा था आप लोगों के आने का, आप आ गए तो करिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बॉयज एंड सामीर हजरात, उलमाए जमीन एहतराम, मोहतरम मुकर्रम बुजुर्गाने दीन, नौनिहाल बच्चों, नौजवान भाइयों, इस्लामी रिश्ते से मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज हम यहाँ पर जमा हुए कि अल्लाह तबारक व तआला का एहसान अजीम है, इसलिए कि जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। सुभान अल्लाह। और शायर से माफी मांगते हुए थोड़ा मैं लफ्ज को बदल रहा हूं कि जिसे चाहा जिक्र की महफिल में बुला लिया। सुभान अल्लाह। जिसे चाहा बना लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, ये बड़े करम के ये फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बड़े करम के ये फैसले, तो ये बड़े नसीब।
इससे भी आगे। अब ये शेर मैंने पिछले दोनों दिनों में पढ़ा, लेकिन एक नुक्ता मैंने आपके सामने पेश नहीं किया था कि महबूब की महफिल को महबूब सजा दे। सुभान अल्लाह। अब यहाँ पर दो मतलब, वो महबूब है, वो रब के महबूब है, जग के महबूब है, सब के महबूब है। सुभान अल्लाह। सब के महबूब है, बिना शुबा वो महबूब है, और उनकी महफिल, लेकिन कहा के महबूब की महफिल को महबूब सजा दे। सुभान अल्लाह। अब जिसने भी महफिल को सजाया, ये कमेटी वाले हो या इसमें इंतजाम करने वाले हो या फिर इस महफिल में हाजिरी देकर सुनने वाले हो, ये कोई भी हो, जिक्र की महफिल को सजाने में और आगे बढ़ाने में जिसने भी कोशिश की, तो उसे एक तुमगा मिल गया और उसे एक खुशखबरी मिल गई। वो खुशखबरी क्या है? तो वो खुशखबरी ये है कि महफिल को सजाने की बदौलत अल्लाह ने उसे भी महबूब बना लिया। सुभान अल्लाह। इसीलिए कहा कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। महबूब की महफिल को सजाया तो भी महबूब बन गया। सुभान अल्लाह। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं। तो अल्लाह ताला का एहसान अजीम है कि उसने हमें इस महफिल में आने की तौफीक अता फरमाई। सुभान अल्लाह। हम यहाँ उनके बुलाए बैठे, ये जरूरी नहीं है कि जो गाड़ी वाला हो, फोर व्हील वाला हो, वीआईपी गाड़ी वाला हो, वही जा सके। वीआईपी गाड़ियां तो अंधेरा होते ही पार्क हो गई, लेकिन आने वाले पैदल चल के भी आ गए। वीआईपी गाड़ियां अंधेरा होते ही अपनी जगह पार्क हो गई, ठहर गई, लेकिन जिसको आका ने महफिल में बुलाया था तो वो पैदल चल के गया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। गाड़ी वाला भी अभी बिस्तर पर सोया पड़ा है, वो ये सोचता है कि मुझे नहीं जाना, लेकिन उसे क्या पता कि आका ने तुझे बुलाया। आका ने तुझे बुलाया ही नहीं, गाड़ी की वजह से कोई नहीं आया, आया तो आका के बुलाने की वजह से आया। तो इस महफिल में हम आए और हमें जिक्र करना है आका अलैहि सलाम के आने का। सुभान अल्लाह। अब ये आपके यहाँ पर प्रोग्राम तो चार दिन होता है, लेकिन चूंकि जब मुझे फोन किया गया और मुझे बुलाने के लिए दावत दी गई, तो बड़ी रात यानी कि कल की आने वाली रात में मैंने दूसरी जगह पर प्रोग्राम ले लिया था, इसलिए माजरत चाहता हूँ, माफी मांगता हूँ। मैं यहाँ पर तीन ही दिन आने वाला था और आज ये तीसरा दिन। कल इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके सामने नाथवा हजरात और आपके मोहल्ले के इमाम साहब होंगे, वो भी उम्मीद है कि बड़ी शानदार जिक्र की महफिल सजाएंगे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो मेरे लिए आपके सामने इन दिनों में ये आखिरी हाजिरी है, तो मुनासिब तो ये है कि आज ही आका अलैहिस सलाम की विलादत का जिक्र कर दिया जाए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और आज ही आका की आमद का चर्चा किया जाए और आज ही आका अलैहिस सलाम के आने पर जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक अजीम तुमगा अता फरमाया वो सुनाया जाए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसलिए मैंने कहा था कि आखिरी तकरीर में बात होगी नूरे मुस्तफा का। सुभान अल्लाह। नूरे मुस्तफा ये क्या चीज है? आका अलैहिस सलाम का जो नूर है, और आपको मैं बताऊं आका अलैहिस सलाम का नूर कौन सा नूर है, तो इसके लिए यही काफी है जैसा कि शेर आपने बारह सुना, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। सुभान अल्लाह। नूर का बच्चा, आका अलैहिस सलाम का बच्चा बच्चा नूर का है, और का तू है ऐने नूर। सुभान अल्लाह। ये ऐने नूर क्या है? तो ऐने नूर समझने के लिए आपको थोड़ी सी बहस सुननी पड़ेगी। ऐने नूर यानी कि हर नूर की असल जो है वो आका
ये बात गलत होगी, इसलिए कि आका अलैहिस्सलाम नूर अला नूर है। असले हर नूर से, असले हर नूर, हर नूर की असल आका अलैहिस्सलाम है। तो हर जगह पर नूर है, बच्चा बच्चा नूर है। कहा क्यों है? ऐन नूर, ऐन यानी के छड़ जिसको कह लीजिए, मूल जो कहा जाता है वो आका अलैहिस्सलाम है। पर आका अलैहिस्सलाम का नूर वो नूर है कि उसी के सदके में हर जगह नूर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो नूर न होता तो कुछ भी न होता, मखलूक न होती। और पूरी मखलूक जो है वो नूर मुस्तफा का सदका। बात कहेंगे कि पूरी मखलूक, पूरी दुनिया, मखलूक में सिर्फ दुनिया नहीं, सब आ गया। आसमान भी आ गए, अर्श और चांद भी आ गए, सितारे भी आ गए, सब कुछ आ गया। वो सब नूर है, पर नूर मुस्तफा का सदका है। तो आप कहोगे कि ये कैसे हो सकता है? तो समझने के लिए यही कहूंगा कि पूरी कायनात को समेट दो, नूर मुस्तफा बन जाए, और नूर मुस्तफा को बिखेर दो, पूरी कायनात बन जाए। पूरी कायनात को समेट दो तो नूर मुस्तफा बन जाए, और नूर मुस्तफा को बिखेर दो तो पूरी कायनात बन जाए। ये है नूर मुस्तफा। और वो नूर जो, ये वो नूर है कि उसी नूर के सदके में आका ने फरिश्तों को पैदा किया। सुभान अल्लाह। अब हदीस पाक याद आती है, और आपने भी सुनी होगी हजरत, ये नूर हसने नूर क्यों है? तो इसकी भी एक वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज से पहले नूर मुहम्मदी को पैदा किया। सुभान अल्लाह। हर चीज से पहले, उस वक्त कुछ भी नहीं था, जमीन नहीं थी, आसमान नहीं थे, फरिश्ते नहीं थे, जिन्नात नहीं था, लोहो कलम भी नहीं थे, जन्नत और दोजख भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था रब के सिवा, कुछ नहीं था। तब भी नूरे मुस्तफा था, तब भी नूरे मुस्तफा मौजूद था। हदीस पाक में सुनते चले, एक मर्तबा हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हु आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए और आकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह, फिदा को उम्मी व अबी। सहाबाए इकराम का अदब देखे, सहाबी रसूल जब भी आका की बारगाह में आते तो कहते, या रसूल अल्लाह, मैं तो क्या, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। सिर्फ बातें नहीं करते थे, बातें तो हम भी करते, बातें तो हम भी करते हैं, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। लेकिन सहाबा इकराम जो थे ने वो सिर्फ बात नहीं करते थे, इशारा करता चलूंगा। जिनके बद्र के मौके पर हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, हजरत अबू बकर के साहबजादे हजरत अब्दुर्रहमान, वो फरमाते हैं कि अबाजान, मैंने जंगे बद्र में आपके पीछे से आप पर काबू पा लिया था, और करीब था कि मैं अपनी तलवार से आपकी गर्दन उड़ा देता, लेकिन मुझे ख्याल आ गया कि ये मेरे वालिद है, मेरा बाप है, तो मैंने इस लिहाज से आपको छोड़ दिया। हजरत अबू बकर फरमाते हैं, अब्दुल रहमान, अगर उस वक्त जंगे बदर में हजरत अब्दुल रहमान मुसलमान नहीं हुए थे, फरमाते अगर उस वक्त मेरी तलवार तेरी गर्दन पर होती तो कभी रुकती नहीं, पर मैं ये न सोचता कि ये मेरा बेटा है, बल्कि मैं ये सोचता कि ये रसूल अल्लाह का दुश्मन है, आकर कहा, या रसूल अल्लाह, फिदा का उम्मी व अबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, अखबिरनी अन अव्वल शैई खलक अल्लाह तआला। आका ने सलाम से अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मुझे खबर दीजिए उस पहली चीज के बारे में जिसको अल्लाह ताला ने सबसे पहले पैदा फरमाया। खलक अल्लाह ताला कबल अल अशिया कुल्लिहा कम कहा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूल अल्लाह, मुझे खबर दीजिए उस पहली चीज के बारे में कि जिसको अल्लाह ताला ने सबसे पहले पैदा फरमाया।
यहाँ पर एक और नुकता मैं आपको बताऊं, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह पूछने के लिए गए थे, पूछा किसको जाता है, पूछा किससे जाता है, पूछा उसको जाता है जिसको पता हो, जिसको इल्म हो। जिसके पास इल्म ही नहीं है अगर उसको पूछने के लिए जाए तो पूछने वाले जिससे पूछा गया जो है वो भटक सकता है। आपको मशवरा दे रहा हूं, अगर आपको मसला पूछना है, अगर आपको दीन के मुतालिक कोई बात पूछनी है तो ऐसे आदमी से पूछे कि जिसको इल्म हो, जिसको पता हो, जिसके पास दीन का इल्म हो उससे पूछे। अब जिसके पास इल्म ही नहीं है अगर उसको पूछा जाए तो कुर्बे कयामत की जो निशानी आका अली सलाम ने बताई उसका जहूर अभी से होने लगेगा। और आका अली सलाम ने फरमाया इल्म उठा लिया जाएगा, पीछे जाहिल बचे रहेंगे, लोग उनसे फतवा पूछेंगे और उनके पास इल्म नहीं होगा। तो हजरत जाबिर ने पूछा आका अलैहि सलाम से, तो हजरत जाबिर का ईमान था कि रसूलुल्लाह जानते हैं। पूछा भी क्या था, पूछा क्या था, वो पहली चीज जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज से पहले पैदा फरमाया वो चीज कौन सी है। तो अगर आका अलैहि सलाम को पता ना होता माजल्ला में हम अल्लाह ताला हमें सही अकीदा अता फरमाए, मैं उनको दलील दे रहा हूँ जो लोग ये कहते हैं कि माजल्ला रसूलुल्लाह को इस बात का इल्म नहीं है कि दीवार के पीछे क्या हो रहा है, वो लोग ये कहते हैं। लेकिन हम अहले सुन्नत और जमात कहते हैं कि रसूलुल्लाह आज भी और कयामत तक जो कुछ होने वाला है सब जानते हैं, सब जानते हैं। हजरत जाबिर ने पूछा वो पहली चीज जिसको अल्लाह ताला ने सबसे पहले पैदा किया, तो अगर आका को इल्म न होता तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते जाबिर तो तुम कब की बात कर रहे हो, 120,000 अंबिया अलैहिस्सलाम आके चले गए, उन सब के बाद में 470 साल के बाद में यहाँ पर दुनिया में आया हूँ, आखिरी नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आका से पहले और उनके 470 साल के बाद आका अलैहिस्सलाम दुनिया में आए और आकर फिर आपने दीन का काम किया। तो अगर आपको पता ना होता तो आप फरमाते जाबिर कब की बात कर रहे हो, ये तो बहुत पहले की बात है, मेरे पास इल्म नहीं है। लेकिन फरमाया ए जाबिर, ए जाबिर, और वहां पर आपने आका अलैहि सलाम ने हजरत जाबिर को जवाब भी दिया और हजरत जाबिर को एक और मुजदा और खुशखबरी भी सुनाई, खुशखबरी भी सुनाई। वो खुशखबरी कौन सी थी, आगे आ रही है, या जाबिर इन अव्वल शैइन खलक़ल्लाहु तआला क़ब्ल अशयाइ कुल्लिहा नूर नबीयका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया ऐ जाबिर वो पहली चीज जिसको अल्लाह ताला ने सबसे पहले पैदा फरमाया अगर वो कोई चीज थी तो वो तुम्हारे नबी का नूर था, तुम्हारे नबी का नूर था। सबसे पहली चीज जो पैदा की गई नूर नबी का मिन नूर ही। ए जाबिर सबसे पहले अल्लाह ताला ने, अब आपको एक और